99 लोगों को पता नहीं होता चाय बनाने का सही तरीका। तो चलिए मैं बताती हूँ, मैं बना रही हूँ यहाँ पे 2 कप चाय। 2 कप चाय बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है नाप करके 1 कप पानी। चाय बनाने का तरीका इतना सिंपल और आसान है कि आप देखते ही हैरान रह जाएंगे। यहाँ पे कप के साथ में मैंने रख दिया है मिट्टी के दिए, तो 4 से 5 मिट्टी के दिए रख दीजिएगा। अगर आपको एक अच्छा सा चाय के अंदर फ्लेवर चाहिए ना, मिट्टी वाला टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है अगर आप इस तरीके से बना करके तैयार करेंगे। देखिए, जब पानी में अच्छे तरीके से उबाल आ गया है तो अब हम इसमें डाल देंगे ये चीनी। तो चीनी दिए के अंदर डाल देते हैं। जब इस तरीके से हम चारों दिए के अंदर चीनी डाल देंगे, और देखिए एक एक करके मैं इस तरीके से दिए के अंदर डाल रही हूँ, और देखिए पानी में उबाल आ रहा है। एकदम टेस्टी यूनिक चाय बन करके तैयार होगी अगर आप ये तरीका बदल देंगे। तो मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ, कभी मेरा मन करता है ना तो मैं इस तरीके से बना लेती हूँ। अभी मैंने चीनी के बाद में यहाँ पे डाल दिया चाय की पत्ती, तो चाय की पत्ती भी मैंने दिए में डाली है, थोड़ी सी मैंने पानी के अंदर डाल दी है जिससे इसका अच्छा सा एक कलर आ जाएगा और टेस्ट आ जाएगा। इसी के साथ मैंने यहाँ पर ली है 2 हरी इलायची जिनको मैं खोल करके इस तरीके से डाल दे रही हूँ, और इसी के साथ हमने लिया है अदरक। अदरक को भी कूट करके डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें काली मिर्च भी डाल सकते हैं, पर मुझे उसका फ्लेवर पसंद नहीं है तो इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। और चाय में मैं डालूँगी टेस्ट को बढ़ाने के लिए सौंफ। तो यहाँ पे मैंने साबुत सौंफ लिया है जिसको मैंने डाल दिया। सौंफ से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और पेट के लिए बहुत ही अच्छी है। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 लौंग। लौंग को भी डाल दिया है, आप इसके अंदर काली मिर्च भी डाल सकते हैं। अब जो अदरक हमने कूट के रखा था ना, बस वो डाल देंगे और चम्मच से इस तरीके से इसे मिलाते रहेंगे जिससे कि ये दिए के अंदर जो सब चीज़ें डाली है ना वो भी अच्छे तरीके से उबल जाए। तो उसे उबालने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, ये गर्म पानी जो है ना वो डाल रही हूँ चम्मच से दिए के अंदर, जिससे कि इसमें भी थोड़ा सा उबाल आना स्टार्ट हो गया है। अब हम डालेंगे नाप करके दूध। तो 1 कप हमने पानी लिया था तो वो थोड़ा सा पकते पकते कम हो गया है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है 1.5 कप दूध। समझ लीजिए 1/2 कप पानी जल चुका है, और इसे अच्छे तरीके से एक बड़े चमचे से चला देंगे। और देखिए चलाते हुए इन्हें उबालते रहेंगे, जो मिट्टी का टेस्ट है ना फ्लेवर वो इसके अंदर आ गया है। और इसे चलाते हुए अच्छे तरीके से करेंगे। ये नए दिए थे, नए दिए की बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अगर आपके पास पुराने दिए हैं ना तो उन्हें मत डालिएगा, उनसे खुशबू बिल्कुल नहीं आएगी। और ये देखिए मैं इसे चमचे से इस तरीके से दिए के ऊपर डाल रही हूँ, इसमें बबल्स आ रहे हैं, और इसे 1 से 2 उबाल आने देंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए चलाते हुए इसे उबाल आने देना है। उबालते उबालते जब इसमें से प्यारा सा कलर आ जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे, इन दियों को चाय के अंदर से निकाल देंगे। और देखिए मैंने इसे 2 से 3 उबाल आने दिए हैं, और देखिए चाय हमारी कितनी गाढ़ी बन करके तैयार हुई। देखिए कलर, देखिए कलर कितना अच्छा आया है। अब ये चाय हमारी पक चुकी है। चाय पकने का तरीका ये है कि ये जो देखिए कढ़ाई के अंदर जो है ना ये पापड़ी सी आ गई है ऊपर, मतलब कलर की। तो इस तरीके से हमारी चाय अच्छी पकी हुई होनी चाहिए। अब हम दिए निकाल करके इसे 1 से 2 उबाल और आने देंगे। तो इसी तरीके से चलाते हुए इसे उबाल आने देंगे। ये देखिए अब मैं उठा उठा के इसे कर रही हूँ ना, तो बहुत ही अच्छी, ये देखिए उबाल आ चुका है। और देखिए हमारी चाय कितनी परफेक्ट बन करके तैयार हुई है। चलिए अब इसे छान लेते हैं एक छन्नी से। 1 कप लिया है तो यहाँ पे मैं 1 कप में ही छान के दिखा रही हूँ आपको। अब इसके ऊपर छन्नी रखेंगे और चाय को इस तरीके से छान देंगे। बहुत ही सी हमारी ये मिट्टी के फ्लेवर वाली चाय बन करके तैयार हो गई है। तो इसे बस बनाइए, इंजॉय कीजिए और दूसरों को पिलाइए। मतलब पता ही नहीं चलेगा कि आपने मिट्टी के बर्तन में बनाई, बिल्कुल इस तरीके से हमारी चाय लगेगी। तो चलिए मैं तो बिस्किट के साथ इसे गर्मा गर्म इंजॉय करने वाली हूँ। आप इस तरीके से बना सकते हैं।